जननी जन हो जेड़ा राड़ा पजता हरि अकबर सूतो जी के जान सिरा मित्रों बप्पा रावल से मेवाड़ के वंश की कहानी शुरू होती है। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह जो महाराणा सांगा के नाम से इतिहास में विख्यात हुए, और महाराणा सांगा के पांच पुत्र हुए। पांच पुत्रों में सबसे छोटे थे उदय सिंह। पन्ना धाय स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके और अपने बेटे का सर उनके आंखों के सामने बनवीर ने कलम कर दिया। लेकिन महाराणा सांगा को दिए वचन अनुसार, क्योंकि महाराणा सांगा ने खानवा के मैदान में जाते वक्त पन्ना को एक जिम्मेदारी दी थी कि पन्ना में बाबर के युद्ध विदर्भी बाबर से युद्ध करने के लिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूं, और मेवाड़ के अंतिम कुलदीपक उदय सिंह की जिम्मेदारी मैं तुमको देके जा रहा हूं। तुम किसी भी अंधियारे में किसी भी तूफान में इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा देश धर्म होगा। मित्रों मैं निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं वो इस बात को निश्चित रूप से सुनिएगा। 1521 में खानवा के मैदान में जो भरतपुर जिले में है वहां पर युद्ध लड़ा गया। 6 महीने तक युद्ध के बाद में वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा सांगा। पन्ना धाय के पति का नाम था सूरज गुजर, वो महाराणा सांगा के अंगरक्षक हुआ करते थे और मातृभूमि और देश की लड़ाई के लिए वे भी शहीद हो गए। और इधर बनवीर को जब ये पता चला, वो एक दासी पुत्र था, उसको पता चला कि मेवाड़ का अंतिम कुलदीपक अभी तक जीवित है, तो वो उदय सिंह को मारने के लिए गया और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह सुलवा के उसका बलिदान करवा दिया। लेकिन महाराणा सांगा के उस राजवंश के कुलदीपक की रक्षा की। कुंभलगढ़ में आशा शाह कामदार थे जैन समाज के, ये कुंभलगढ़ का इलाका है, महाराणा कुंभा ने चुनवाया था। आशा शाह के यहां पर पन्ना धाय उदय सिंह जी को लेके आई। उदय सिंह जी यहां बड़े हुए और जालौर के सोनगरा क्षत्रिय कुल के अक्षय राज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती के साथ महाराणा उदय सिंह का विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत ईस्वी सन 1540 की 9 मई की प्रभात में उदय सिंह के यहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और महाराणा प्रताप महाराणा सांगा की स्वाभिमान की लड़ाई यहां तक पहुंच गई। और आज फिर कुंभलगढ़ के कविराज कुंभलगढ़ के किले की नींव में बैठकर कवि माधव दर्ग इस देश की युवा चेतना को फिर से जगाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हल्दी खाती में समर लड़
खाली दी वो चेतक रो वसवार कठे मायड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीपान कठे महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो वसवार कठे मायड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे जो है इतिहासा में बाचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत गया खन पान लजायो नी थारो खन पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बना बेजा रहे मन सुपाटीला बेजा रहे मन सुपाटीला सारा पड़ गया उन दे आगे वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो झुक्यो नहीं नर ना हरियो वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो हिंदुवा सूरज में कर दतन हिंदुवा सूरज में बाण दतन वो महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे ओ, आ माटी हल्दी घाटी दी लागे ज लागे केसर और चंदन है ये हल्दी घाटी जाता रास्ता सीधा माथा पर तिलक करो इनरो माथा पर तिलक करो इन रो इन धरती में नित वंदन है या रण भूमि तीरथ भूमि हो या रण भूमि तीरथ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे बलिदानी वीरों की गाथा हिबड़ा में जोश जगा जावे उन देश भक्त के तकरीबा उन देश भक्त के तकरीबे टप टप टापा दी आवाज कठे मायड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीपान कठे वो महाराणा प्रताप कठे आज देशरी सीमा पर
आज देशरी सीमा पर संकट दा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुसपैठिया, ए पाकिस्तानी घुसपैठिया। क्या बोलो, मैं जब जगह जगह आपको याद दिलाऊंगा। ए पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में, भारत सीमा में। तो मेवाड़ के लोगों का तो सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने महलों को नीलम के बाजोट पर सोने की थाली में जो भोजन करते थे मित्रों, वो घास फूस की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अकबर की गुलामी को इतना कमजोर नहीं, थोड़ा सा अकबर की गुलामी को नहीं किया स्वीकार। और इसलिए भारत तेरा वीर जवान थे, भारत तेरा वीर जवान थे, जाने ओ सबक सिखा दी जो। थे हो प्रताप का ही वंशज, याने आ बात बता दीजो। यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत को है, थोड़ा आंख दिखावे आज अठे। सभी की तालियां होंगी और मुझे विदा करेंगे आप लोग इन तालियों के साथ में। माजड़ थारो वो पूत कटे, जयपुर नगरा में पतिरानी, छोटा बूंदी कद अनजानी, चंबल के वे आही कहानी, धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे, ई पर देवन मरने आवे, ई रोज सिनर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। अरे मेहंदी रची थर हाथों में, हो ओ जी मेहंदी रची थारे हाथों में, ढुल रही काजल आख्या में, मेहंदी रची थारे हाथों में, ढुल रही काजल आख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग भारी आम जिमा, चुनड़ी रो रंग सुरंग भारी आम जिमा, मेहंदी रची थारे हाथों जी थारे हाथों में, भूल रही काजल आख्या में, मेहंदी रची थारे हाथों में, भूल रही काजल आख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग भारी आम जिमा, चुनड़ी रो रंग सुरंग भारी आम जिमा। थोड़ा मन मनाते हुए बढ़िया मजबा,
अरे चांद उग्यो राता में, फूल उग्यो रण बागा में, चांद चढ़ो राता में, फूल उग्यो रण बागा में, चांद चढ़ो राता में, थारो इसो सुहानो रूप मारी। आपको बोलना है आगे, थारो इसो सुहानो रूप मारी, थारो इसो सुहानो रूप मारी, आ मजमा मेहंदी रची थारे हाथों में, ओहो आप लोग बोलिए एक बार, आपसे शुरू करता हूं सजन जी, इसको इधर घुमा दीजिए तालियों के साथ पे, बलिया मचमा जय हो, देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, और रूप सुहाणो जद सू, देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, और रूप सुहाणो जद सू, देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, भूल गई सब कामाने, भूल गई सब कामाने, याद करूं थारे नामा ने, भूल गई सब कामा ने, याद करूं थारे नामा ने, माया रो छूटो संग मारी। पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोलते, माया रो छूटो संग मारी, आ मजमा माया रो छूटो संग मारी, आ मजमा मेहंदी रची थारे हाथों में, आप छोड़ दो मुझे, महिलाओं से माता बहनों से निवेदन, दोनों हाथों को उठा के, ताली के साथ में, अरे भी चेड़ी नगरी माता आप बिराजो, कारज सारो, कारज सारो, हो हरे मैया कारज सारो, उथारा दर्शन करवा, उथारा दर्शन करवा, आवे दुनिया सारी वो मां, जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो बहनों से सुनना चाहता हूं, जे हो थारी मैया, जे हो बजाओ, जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो मैया, जे हो स्वर में बोलिए, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारे मैया, अब स्वर में थे ताल में नहीं थे, जे हो दोनों हाथों को उठा लेते, जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया।
धनी बन जाऊं। आपके लिए है अजी। देख के वो तो माता मैं तो न धनी बन जाऊं, न धनी बन जाऊं थारा मुखड़ा पे रम जाऊं, न धनी बन जाऊं थारा मुखड़ा पे रम जाऊं। अब सिर्फ मेरी बहनें बोलेंगी बोर गुथाऊ थारे बोरियो कटे गुती जे कहां पे माथे में, तो आप बोलेंगी बोर गुथाऊ थारे माथा में चुड़लू मंगाऊ थारे माथा में आथा में। तो इसको गा के बोलिए। कोई भी बहन का हाथ खाली नहीं होगा, क्योंकि भाइयों से ज्यादा तो शक्ति का रूप तो आप बैठी हो और आपके कान से पूरी दुनिया चलती। बिना शक्ति का कुछ नहीं होता और शक्ति आप में बसती है। मैं चाहता हूं सभी बहनों से एक बार, अरे बोर गुथाऊ थारे माथा में चुड़लू मंगाऊ थारे हाथा में, बोर गुथाऊ थारे माथा में चुड़लू मंगाऊ थारे हाथा में, बन जाऊ बाजू बंद आम जिमा, बन जाऊ बाजू बंद मारी आम जिमा, मेहंदी रची थारे हाथों में। पायलड़ी बन जाऊं, ओ ठीक है वो तो माता मैं तो पायलड़ी बन जाऊं, पायलड़ी बन जाऊं थारा चरणा में रम जाऊं, ओ पायलड़ी बन जाऊं थारा चरणा में रम जाऊं, फूल बिछाऊं थारे पावा में, फूल बिछाऊं थारे पावा में, नित नित दर्शन आवा में, फूल बिछाऊं थारे पावा में, नित नित दर्शन आवा में, नैना में कर लूं बंद भारी आम जिमा, नैना में कर लूं बंद भारी आम जिमा, मेहंदी रची थारे हाथों में। बजाएं एक बार।